हिंदू धर्म में मौली का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। पर क्या आपने कभी सोचा है जो मौली आप अपने हाथ की कलाई में पहनते हैं वो आखिर कैसे बनती है? तो जानते हैं बीकानेर की महिला उद्यमी कृष्णा खत्री की कहानी। उन्होंने मौली का काम 20 साल पहले शुरू किया था, जिसकी आज पूरे भारत में डिमांड है। कृष्णा अपने साथ करीब 30 से ज्यादा महिलाओं और 10 से 15 पुरुषों को रोजगार दे रही है। इनमें से कुछ लोग तो मुस्लिम समाज के भी हैं। कृष्णा ने बताया कि उन्होंने रोजाना 200 किलो मौली की मूर्तियां बनाने में करीब 8 से 10 दिन लगते हैं। इस मौली को 280 रुपए किलो में अलग अलग शहर में बेचा जाता है। यह मौली कच्चे धागे से तैयार होती है। पाली मिल से हम धागा लेते हैं, फाइन माल लेते हैं और ये 1 से 10 जने के हाथ में से निकलते जब ये प्रोसेस तैयार होता है, उसके बाद में 25 और 30 लेडीज मेरे पास काम करती है और हम घरों में भी देते हैं और यहाँ भी बेच रहे। मौली की रेट है 280 रुपए किलो। मौली में पहले कच्चा धागा आता है, फिर उसके बाद में डाइंग, उसके बाद में कोण बनते हैं, उसके बाद में लच्छी बनती है, उसके बाद में डाइंग होती है, फिर उसके बाद में ना मशीने से गोली बनती है। गोली बनने के बाद में ये ना लेबल लगती है, लेबल लगने के बाद पैकिंग होती है, फिर बोरा बनता है, फिर सप्लाई होती है।